हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी टी टी एंड टी टी प्रिपरेशन में। और आज के इस वीडियो में ना यूस डी एल एड कोर्स 509 सेट बी का आंसर बताने जा रही है। यूपी का क्वेश्चन पेपर है, तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपको भी अपने स्टेट का चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हर स्टेट का आंसर की प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करिएगा तभी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले की मांग थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले की मांग थी भारत में सबके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। दूसरा क्वेश्चन है, बांध के बारे में शिक्षण के दौरान आप शिक्षार्थियों से अवकाश के दौरान बांध के साइड पर भ्रमण करने को कहते हैं, आप किस प्रकार के अधिगम स्रोत का उपयोग कर रहे हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समुदाय। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किसानों के औपनिवेशिक प्रशासन की नई भूमि राजस्व प्रणाली के विरुद्ध विरोध किया, उन्होंने अपने अधिकारों की मांग एक आंदोलन द्वारा की। इसका आंसर होगा बारडोली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार का आंसर मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है क्योंकि यह अध्ययन करता है पृथ्वी की विशेषताओं और प्रक्रियाओं के बीच संबंध का। क्वेश्चन नंबर 6 है, आगरा का ताजमहल एक बहुत प्रसिद्ध स्मारक है, निम्नलिखित में से किससे के शिक्षण में आप इस स्रोत का उपयोग करेंगे? मुगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक और राजनीतिक जीवन वास्तविक जीवन स्थितियों पर आधारित है क्योंकि यह स्वीकारता है कि बच्चे सर्वोत्तम सीखते हैं रोल प्ले के द्वारा। ऑप्शन 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षार्थी समकालीन विश्व के विभिन्न क्षेत्रों और राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता को समझने के लिए अध्ययन करता है इतिहास का। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक गांव में विभिन्न धर्म के लोग सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर सभी त्यौहार मनाते हैं और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, निम्नलिखित में से किसका वर्णन करने में आप इस उदाहरण को प्रस्तुत करेंगे? इसका आंसर होगा क्षेत्रीय एकता। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब आप शिक्षार्थी द्वारा किए गए कार्य का रिकॉर्ड रखना और उसके वास्तविक कार्य रखना चाहते हो तो आप आकलन के किस रूप को अपनाते हैं? तो पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर डी इसका, ऑप्शन डी इसका आंसर है। और भी स्टेट के आंसर की मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगी, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।